स्वामी के चरणों में साधु सुंदर सिंह द्वारा भाग दो पाप और उद्धार। पापों की क्षमा का अर्थ पूर्ण उद्धार कतई नहीं है, क्योंकि वह केवल पाप से संपूर्ण रीति स्वतंत्र होने पर ही संभव है। क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति उसके पाप के कारण बीमारी वश मरे, जबकि उसने उस पाप की पूर्ण क्षमा प्राप्त की हो। उदाहरण के लिए, किसी मनुष्य के मस्तिष्क पर लंबी चली बीमारी के कारण कुछ प्रभाव पड़ा, और जबकि वह प्रभाव उस पर था, उसने किसी अन्य मनुष्य पर आक्रमण करके उसे मार डाला। जब उसे मृत्युदंड मिला, उसके रिश्तेदारों ने परिस्थितियों के विषय में समझाया और दया की याचना की, और उस व्यक्ति को हत्या के अपराध की क्षमा मिल गई। परंतु जब उसके मित्रगण मार्ग ही में थे और उसे शुभ समाचार देने जा रहे थे, वह व्यक्ति उसी बीमारी के चलते मर गया जिसके वशीभूत होकर उसने हत्या की थी। हत्या करने वाले को उस क्षमा का क्या लाभ मिला? उसकी वास्तविक सुरक्षा तो उस बीमारी से चंगाई पाने में थी, जब उसे क्षमा प्राप्त करने की वास्तविक खुशी का अनुभव मिलता। इसी कारण मैं देह में प्रकट हुआ, ताकि मैं पश्चातापी विश्वासियों को पाप की बीमारी से छुटकारा दूं। इस प्रकार कारण और प्रभाव दोनों को दूर करूं। वे उनके पापों में नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं उनका उद्धार करूंगा। मत्ती 1:21। और वे मृत्यु से गुजरकर अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे।